नमस्कार दर्शक बंधु, आपण समस्त को आम चैनल को स्वागत। आसंतु आज वीडियो रे आम 40 हेल्थ टिप्स जानिबा। नंबर 1, जो माने अत्यधिक फ्रिज रो पानी पी थांती एवं अधिक तेल मसला खाई थांती सेमानक पेट रे चर्बी बहुत बढ़ी जाए। नंबर 2, पियाज को दुई फल करी घर भीतर टांगी देले मशा माछी इत्यादि होइ न थांती एवं झिटिपिटी आसुथिबा स्थान रे मयूर पुछ रखिदेले से स्थान को आ झिटिपिटी आसि न थांती। नंबर 3, अला एवं आंबर कोइली को पानी रे बतुरे की बाटिकिरी ता केसरे लगेले केश पूरा कला मचमच हो जिवो। नंबर 4, शरीर रे अधिक साबुन लगेले शरीर सुखिला हो जाए थे, तेणु प्रत्येक दिन साबुन बदल आपण कौन करिवे हलदी एवं बेसनर गोटे पेस्ट तैयार करिवे एवं तेहाकु देहरे लगांतु, देखिबे आपणको शरीर पूरा सफा हेबो एवं ता सहित चिकण मध्ये देखा जीवो। नंबर 5, जेउ गर्भवती मां माने अधिक सुंदर एवं सफा देखा जाय थांती सेमानकर झियो हेबार अधिक संभावना रहिते एवं जेउ गर्भवती मां माने पूर्व अपेक्षा अधिक असुंदर एवं कला रंग देखा जांती सेमानकर पुओ हेबार अधिक संभावना थाए, किंतु एहा 100% सत नुहे। शरीर अनुसार लक्षण मत भिन्न भिन्न होता है। पुओ कि झील जहाँ भी हो सुस्थ शिशुटे जन्म हो आम एति भगवान पाखे कामना करवा एति से समय भाविबा एवं आम भाविबा उचित जे पुओ हो कि झील समस्ते आम पाई समान। नंबर 6, मासिक धर्म माने पीरियड समय अधिक सफा सुतरा रहिबा आवश्यक, नचेत इन्फेक्शन होबार अधिक आशंका बढ़ी जाए। यही समय रे नगा देले सबुठारु बड़ विपद माड़ी आसे, यहाद्वारा देह अधिक असुस्थ होई पारे एवं यही समय रे हलदी लगे गाधेबा द्वारा किछि भी चर्म रोग से समय रे होई नथाए। नंबर 7, प्रतिदिन भोर 5-6 मध्यरे दीर्घ निश्वास नेबा द्वारा शरीर रे रक्त संचालन ठीक से होइथाए। एबे आसंत जानिबा नंबर 8, अधा बाल्टी पानी रे टिके शैंपू टिके लुण एवं टिके लेंबरस पकईकि घरर किंबा रोसे घर स्लाब इत्यादि को आपण गोटे कपड़ा साजरे पोछि देबे, या द्वारा घरे मशा माछी रहिबेनी घर पूरा सफा सुथरा देखा जिवो। नंबर 9, छोट पिला मानकर परिस्रा करथिबा कपड़ा बेडशीट इत्यादि को उषम पानी रे डेटल एवं वॉशिंग पाउडर मिसेकि धोइले कपड़ा ठीक से सफा हो जिवो, ता सहित कपड़ा आउ दुर्गंध मध्ये हेबनी। कपड़ा को घर भितरे पंखा रे न सुखे कि खरा रे सुखांतु, एहा बहुत भलो होइता है, एहा द्वारा जीवाणु माने सब मर जाय थांती। नंबर 10, चीनी डब्बा रे लवंग पके कि रखिले चीनी अधिक दिन पर्यंत नष्ट होइ न थाए एवं सूजी को जदि हल्का भाजी कि आपण गोटे एयरटाइट कंटेनर रे रखिदेवे सूजी रे पोक लागिबो नाही एवं आपण मानक दरकार समय रे आपण फटाफट सूजी रो उपमा हलवा बनै परबे। दर्शक बंधु, आपण माने जो माने भी एई वीडियो टी देखुचंती आपण मानकर ना कोण कमेंट सेक्शन रे लेखिबा को भूलिबे नाही। आसंतो एबे जानिबे 11 नंबर, चुट्टी सफा करिबा पूर्वरु अंडा चुट्टी रे लगाई सफा करले केश चमकिबा सहित केश झड़िबा बंद हो जाए, सप्ताह रे आपण गोटे थर एमती करंतु। 12 नंबर, अधिक समय पर्यंत गोटे स्थान रे बसिकि रुहंतु नाही, या द्वारा शरीर रे अधिक यंत्रणा अनुभव होइथाय, शरीर को मांदा लागिथाय, किछि समय पय चलाबुला करिबा निहाति दरकार आम सुस्थ शरीर पय। नंबर 13, सप्ताह रे थरे थरे लेंबु मिश्री पानी पियंतु, या द्वारा पेट जनित समस्या को दूर करि परिबे। नंबर 14, घरे उपचार लगातार 2 निश्चय करंतु, यह निश्चय भल फायदा देथाय एवं यहार कोनोसी साइड इफेक्ट माने किछि भी केति कर नथाय। गोटे थर आपण घरे उपचार करनेबे आ भाबे आर किछि इफेक्ट पडुनी, एमिति भाबिबा एटा आपण मानकर भूल, तेणुकरि आपण माने पेशेंस रो सहित ए रिमेडी सब ट्राए करंतु, देखिबे दिने ना दिने एटा आमर घरे उपचार टिके डेरी रे होबो छै किंतु इफेक्ट ही पकेबो। यापर आखिपतारे बादाम तेल किंबा नड़िया तेल रात्रि लगेकि सोइले आखिपतार चुट्टी घन एवं सुंदा देखा जिवो एवं गहभाव कला हबो। नंबर 17, कम कम भोजन करंतु एवं पुष्टिकर खाद्य खांतु, शरीर वृद्ध होबा जाय सुस्थ रहिबो एवं सुंदर भी देखा जिवे।
नंबर 18 दही सहित माछ सेवन करिबा विष सहित समान होइथाय केबे भी दही एवं माछ एका सहित खातु नाही। नंबर 19 आपण जदि सबुबेले निजर लक्ष्य निज काम उपर अधिक गुरुत्व देबे एवं निज काम रे सबुबेले व्यस्त रहिबे तेबे अन्य कोनोसी चिंता आपणक मस्तिष्क को आसीबो नाही एवं एहा द्वारा आपण माने अधिक टेंशन भी नेबेनी एवं अधिक रोग मध्य हेबो नाही एवं आपण मानकर बीपी भी बढ़िबो नाही। नंबर 20 खाई सारी तुरंत गाधोइबा उचित नुहे कारण गाधोइबा परे शरीर मुख्य काम होउची खाद्य को हजम करिबा शरीर पूरा ऊपर ही रही थाए से शरीर चारिआड़े रक्त संचलन जहाँकि खाद्य को ठीक से हजम कर न थाए एवं खाद्य खाई सारिक तुरंत सोइबा भी उचित नुहे किसी समय आप चला बुला करूँ कि घर ठुकुर मुकुर काम करूँ। नंबर 21 जो मानकर मस्तिष्क कमजोर होता है से पैड़ पा अधिक फायदा होता है अमृत तुल्य होता है आपण मैंने सप्ताह 2-3 पैड़ पीपर। नंबर 22 प्रत्येक मनीष भगवान विश्वास होगा जरूरी अटे आम मैंने सब ध्यान देवा उचित जे जी आम को सृष्टि कर पृथ्वी को आमको आनी दुईज को केवे भी मनरे दुख दिंत ना जड़े भगवान एवं आउ जे हूँ आमर पितामाता कारण से मानक कष्ट आम जीवन सारा केवे भी खुशी से रही पारा ना कि आम जिते कष्ट भी दे कष्ट से मैंने आमर सब भूल को क्षमा करतामाता। दर्शक बंधु आपण मैंने आपण माँ माँ बापा को भल पाते कमेंट सेक्शन में माँ का ना अवश्य लिखतु। नंबर 23 राति समय अधिक आलू खाइबा ठार बचतु चेत यह बीमारी सृष्टि करने सहित मोटापा दूर होता है। नंबर 24 आंठु गंठी अधिक जंत्रणा किंबा दरज होते निम्बर तेल को मालिश करने द्वारा जल्दी आराम मिलता है। नंबर 25 राति रे रोटी खाई सोइबा द्वारा सका पेट पूरा सफा हो जाए राति समय हाल्का फुल्का खाइबा खातु अधिक भारी भोजन करूँ ना कारण आमर राति समय हजम कर क्षमता बहुत कम हो जाए। नंबर 26 जदि आप ओजन कम करने को चाहते तेरे कलरा को चटनी किंबा भजा करके खातु ना यार जूस पिंतु यह अधिक फायदा देता है किंतु आपण मानक दैनिक डाएट्रे कलरा निश्चिंत इनक्लूड करूँ। नंबर 27 प्रतिदिन भोजन रे सलाड जरूर खातु यह शरीर को हेल्दी रखा सहित आपण मानू स्किन रे ग्लो आसी थाए एवं आपण माने सलाड रे लेंबू रस एवं गोलमरीच पाउडर पकई खातु यह सलाड रा स्वाद दुई गुण बढ़ाई देव। नंबर 28 अधिक लुण लंका एवं तेल मसला युक्त खाद्य खाइले शरीर जल्दी मोटा हो जाए एवं शरीर रे एलर्जी हो जाए यही खाद्य सब कम खाइबा उचित आपण सप्ताह को दिने अधे मासक 3-4 खाईपर कि बेसी खाइले आपण भाविपरें आपण मानक कौन हम। नंबर 29 मुह को स्क्रब करने को हेले गोटे टमाटो को ने फाल करके चीनी लगे कि धीरे धीरे मुह को स्क्रब करेंगे देखिए चेहरा मान मुह आप जो भी स्क्रब करते प्राय तो आम आम फेस को स्क्रब करें तो चेहरा सफा हो। नंबर 30 प्रतिदिन सका जीरा किंबा पान मधुरी चोबे की खाइबा द्वारा खाद्य हजम होगा सहित तो गैस एसिडिटी परी समस्या धीरे धीरे दूर हो जाए। दर्शक बंधु आपण मानक मो भिड आज जदि भल लगुच प्लीज वीडियो को गोटे लाइक करूँ और अन्न सहित निहाती भाव में सेयार करूँ कारण समस्ते ये टीप्स गुड़िक जाणी निहाती जरूरी। नंबर 31 हृद रोगी मानक कलरा जूस अधिक फायदा होता है एवं यह रक्त को परिष्कार करथाय। नंबर 32 खाद्य को तले बसिक खाइबा उचित नुहे एवं खाद्य को सर्वदा धीरे धीरे चोबे चोबे खाइबा उचित यह द्वारा शरीर को अधिक फायदा मिलता है खाद्य खाइबार संतुष्टि मिलता है खाद्य भल से हजम होता है आपण माने आउ मोटापा हे ये टेंशन टा नियंतु ना मोटापा को सब नियंत्रित रहिबो। नंबर 33 पिजुली रे विटामिन सी प्रचुर परिमाण रे रही थाए यह को प्रतिदिन खाइबा उचित
ଏହା ଦାନ୍ତକୁ ମଜବୁତ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଦାନ୍ତର ଯଦି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 34 ଠିଆ ହୋଇକି ପରିଶ୍ରା କଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧା ଯାଇକି ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କମଜୋର କରିଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 35 ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଆଲମଣ୍ଡସ୍ ଖାଇପାରିବେ, ୱାଲନଟ୍ ଖାଇପାରିବେ, ପିସ୍ତା ବାଦାମ, ବାଦାମ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 36 ପିଆଜ ରସରେ ଟିକିଏ ରନ୍ଧା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମିଶାଇକି ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର କେଶରେ ମାଲିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚୁଟିକୁ ଧୋଇଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚୁଟି ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିବ। ନମ୍ବର 37 ଚିନି ଡବାରେ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇକି ରଖିଲେ ଚିନି ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ନଷ୍ଟ ହେବନି। ଏବଂ ସୁଜିକୁ ଯଦି ହାଲକା ଭାଜିକିରି ଗୋଟେ ଏୟାର୍ ଟାଇଟ୍ ଡବାରେ ରଖିଦେବେ ତାହେଲେ ସୁଜିରେ ଆଉ ପୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 38 ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ, ଫ୍ରିଜ୍ର ପାଣି, ସୋଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ, ଅଧିକ ଖଟା ହୋଇଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ପେଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡ଼ିଟି ପରି ସମସ୍ୟା ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ନିଜ ଶରୀରକୁ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 39 ନିୟମିତ କାକୁଡ଼ି, ଗାଜର ଏବଂ ଟମାଟୋକୁ କଞ୍ଚା ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଭିଟାମିନ୍, ମିନେରାଲ୍ସ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 40 ଆଳୁ ଏବଂ ପିଆଜକୁ ଏକା ସହିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଳୁ ପିଆଜ ଏକାଠି ରଖିଲେ ଆଳୁ ଜଲ୍ଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିପ୍ସ, ମାନେ ନମ୍ବର 41 ଲେମ୍ବୁର ଚୋପାକୁ ଶୁଖାଇ ଏହାର ପାଉଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଏଥିରେ କ୍ଷୀର ମିଶାଇକି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁରେ, ମାନେ ଚେହେରାରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ ଗୋରା କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଦାଗ ଦୂର କରିଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନିହାତି କାମରେ ଆସିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ଫାର୍ଷ୍ଟର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।